वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम स्पाइडरमैन। दोस्तों, दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आया 20 करोड़ प्लस। ये आया है बॉक्स ऑफिस फिगर, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है फ्रॉम डे वन, वो तो एक्सपेक्टेड था ये ड्रॉप, लेकिन उतना बड़ा ड्रॉप भी नहीं हुआ। 20 करोड़ फिर भी कमाया यार, मतलब 2 दिन का जो कलेक्शन है वो आया 52.50 करोड़ नेट। आप पकड़ो यार, उफ, वॉट इज दिस यार? आई मीन दीज आर लाइक दीज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स। आप सोचो, एक ऐसा फिल्म जो इंडिया में कभी प्रमोट हुआ ही नहीं, कौन सा स्टार आया इंडिया में इंटरव्यू देने के लिए, कौन से रियलिटी शो पे जाके नाचा, कौन सा कोई कॉमेडी शो पे गया, कौन सा किधर गया उन लोग, यार इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज किया, दैट्स इट। और उसके बाद 4 बजे से शोज चालू किया, 4 AM इन द मॉर्निंग, पीपल आर कमिंग। ये फ्रेंचाइज वैल्यू होता है यार, ऐसा फ्रेंचाइज प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, इंडियन सिनेमा में भी जरूरत है यार। बट देन आई एम हैप्पी, पुष्पा तो भाई एक अलग रिकॉर्ड क्रिएट किया यार। सबको पहले लगा भाई नहीं, स्पाइडरमैन टफ देगा, टफ देगा, काहे का टफ दिया यार। आई थिंक इट्स गुड फॉर स्पाइडरमैन, अच्छा बिजनेस किया, थिएटर्स के लिए अच्छा है। आज भी बहुत सारे, मैं आज भी गया था दूसरा एक मूवी देखने के लिए, मलयालम मूवी देखने के लिए, तब मैंने देखा यार इतना, मतलब लोग आ रहे हैं स्पाइडरमैन देखने के लिए, बाकी लोग आ रहे हैं पुष्पा देखने के लिए, विच इज वेरी वेरी गुड। चलो दोनों फिल्म अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सो 20 करोर ऑन डे टू, वेरी गुड बिजनेस। अब देखते हैं दोस्तों सैटरडे और संडे, क्योंकि फ्राइडे डे टू तो ऑब्वियसली यार फ्राइडे ही है, क्योंकि थर्सडे रिलीज हुआ था, तो डे 3 यानी सैटरडे और संडे क्या बिजनेस करता है और लाइफ टाइम कितना बिजनेस करेगा स्पाइडरमैन, क्या लगता है दोस्तों आपको कितना करेगा, लिखकर बताइए। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।